नमस्कार, मैं हूं ताजा अपडेट के साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। आप अपने अपने क्षेत्रों की ताजा खबरें देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। बोखड़ा स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में शनिवार को कोविड के टीकाकरण की शुरुआत DMO डॉक्टर रविंद्र कुमार यादव, SDO नवीन कुमार, BDO रीता कुमारी, PHC प्रभारी डॉक्टर एजाज अहमद ने सामूहिक रूप से फीता काटकर टीकाकरण का शुभारंभ किया। इस बाबत DMO श्री यादव ने सर्वप्रथम PM श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में शुरुआती टीकाकरण का वीडियो दिखाकर जागरूक करते हुए शुरुआत में सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आशा दीदी सहित सभी मिलाकर 100 लोगों की सूची में से 100% पूरा किया गया। जानकारी देते हुए CM DMO ने कहा है कि टीकाकरण के बाद सभी लोगों को आधा घंटा अवलोकन कक्ष में रहना अनिवार्य है। किसी प्रकार की परेशानी होने पर प्रभारी चिकित्सक से संपर्क करना है। 28 दिन बाद दूसरा खुराक लेना अनिवार्य होगा और दूसरे चक्र में 50 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को दिया जाएगा। टीकाकरण की शुरुआत होने की खबर मिलते ही प्रखंड क्षेत्र के ग्राम आम लोगों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। मौके पर स्वास्थ्य प्रबंधक अनिल कुमार, डॉक्टर संतरण, BCM लवली कुमारी, राम कृपाल, चंदन कुमार, रत्नेश कुमार सहित सभी लोग उपस्थित थे। 5 जनवरी से जो पूरे देश में 307 बिहार में 307 रखा गया था, जिसे बोखड़ा का भी चिन्हित किया गया था, जिसका लक्ष्य 100 दिया गया था। 100 लोगों को हम लोगों को COVID-19 के विरुद्ध टीकाकरण देना था और हम बहुत फख्र के साथ कह रहे हैं कि ये मेरा अचीवमेंट सिर्फ नहीं है, हमारे बोखड़ा टीम की सब लोगों का अथक प्रयास से हम लोगों ने 100% अचीवमेंट को किया। यह हम लोग के लिए बहुत गौरव की बात। आज 16 जनवरी 2021 भारत के लिए निश्चय ही गौरव का दिन है, जब कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में अंतिम पायदान कोविड वैक्सीनेशन प्रारंभ किया गया और सीतामढ़ी में 8 जगहों पर वैक्सीनेशन शुरू किया गया था। इसमें बोखड़ा CHC भी एक केंद्र था। यहां 100 का लक्ष्य दिया गया था और मुझे फक्र है कि सभी 100 स्वास्थ्य कर्मियों ने यहाँ सफलतापूर्वक टीके लगा लिए हैं और वे सभी बिना किसी AEFI के घर गए हैं। यह लक्ष्य प्राप्ति निश्चय ही कोरोना मुक्त भारत के अभियान में एक पहला कदम है। आगे भी इस अभियान को जारी रखते हुए हम उम्मीद करते हैं कि सीतामढ़ी कोरोना मुक्त भारत बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान देगा और हमेशा 100% लक्ष्य की प्राप्ति करेगा।